हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज रक्षाबंधन, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी साइड से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो कि है कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर। तो सोचा एक व्लॉग बना लेता हूँ, जिसकी वजह से आप सभी को भी गुरुद्वारे के दर्शन हो जाएंगे। जबकि गुरुद्वारे में कैमरा अलाउड नहीं है, तो कोशिश करूँगा मैं कुछ एक क्लिप्स लेने की, छोटे छोटे शॉर्ट्स लेने की, ताकि आप भी मेरे साथ दर्शन कर सकें। तो चलते हैं बंगला साहिब। वाहेगुरु। तो गाइज, मैं जा रहा हूँ नोएडा से दिल्ली। तो अभी रास्ते में मैं पहुंचा हूँ अक्षरधाम। तो आपको दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल लगता है रास्ते में। बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया तो आप आइए। अक्षरधाम का खुद का मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट साथ में ही ये अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल है अंदर। अगर आप देखेंगे इसकी मैनेजमेंट, इसका किस तरीके से इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, तो आप ज़रूर इसको विजिट कीजिए। अभी मैं पहुंच चुका हूं गीता कॉलोनी के अंदर, और ये आ रहा है छोटा भाई, अभी मेरे साथ जाएगा, ये हमारे साथ ही काम करता है। ये भाई हमारा जो है हाइट में लंबा है, उम्र में छोटा है हमसे। जी आवी हीरो, हाय बोल, हाय बोल। हाय, हेलो। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस के अंदर, और मैं आपको बताता हूं कि क्या रास्ता आपको लेना होगा अगर आप कनॉट प्लेस बाय रोड आ रहे हैं। तो सो गाइज, अभी कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से मैं बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ले रहा हूं, और इसी रोड पर ही बंगला साहिब गुरुद्वारा है। और अगर आप मेट्रो से आते हैं तो कनॉट प्लेस का मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक के नाम से, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप पैदल भी आ सकते हैं, या आपको यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको बंगला साहिब गुरुद्वारा मिल जाएगा। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे की एंट्रेंस पर, और जैसे ही आप एंट्री लेंगे यहाँ पे आपको एक स्लिप कटवानी पड़ती है, एंड इसमें कोई चार्जेस नहीं रहते, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप सेवा से कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी भाजी, वाहेगुरु। सो गाइज, आप ये जो पार्किंग देख रहे हैं ये 6 फ्लोर की पार्किंग है, एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अब शायद कुछ टाइम से एक टाइम लिमिट सेट कर दी है, उसके बाद से थोड़ा बहुत नॉमिनल सा चार्ज लगता है। तो अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये इसका जूता घर है, और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे से छोटा, बच्चा बड़ा, सब आपको यहाँ पे सेवा करते हुए मिलेंगे। तो जब भी आप गुरुद्वारे जाते हैं उससे पहले यहाँ पे अपने जूते, कोई स्लीपर्स जमा कर सकते हैं। एंड गुरुद्वारे जाने से पहले मुँह हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, एंड साथ साथ आपको गुरुद्वारे के बाहर ही काफ़ी सारे कंटेनर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स के आपको पटके मिल जाते हैं। तो गाइस, मैं अगर आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम अगर आप गुरुद्वारे में आते हैं तो आपको ये जो है इसको पटका बोलते हैं, आपको अपना पूरा सिर ढकना पड़ेगा ताकि आपके बाल ना दिखे, चाहे वो कोई कोई जेंट्स है, कोई लेडीज़ है,
तो उसको अपना जो है पूरा सर ढकना पड़ता है गुरुद्वारा जाने के लिए। सो गाइज़ ये है इसका सरोवर गुरुद्वारा बंगला साहिब के जस्ट सामने। ये गुरुद्वारा है और ये सरोवर है, और कहा जाता है कि अगर आपको कैसी भी बीमारी, आप यहाँ पर आकर के अगर स्नान करेंगे तो वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी फिशेज, छोटी बड़ी बहुत सारी फिशेज आपको दिख जाएंगी, कलरफुल फिशेज। गाइज ये जो है ये है निशान साहिब। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको दूर से पता लग जाए कि गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये गुरुद्वारे में जो भी दिखता है इसको बोलते हैं निशान साहिब। एंड गाइज रात के 12 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी भी कितने सारी संगत यहाँ पर आई हुई है, कितने लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सो गाइज हमने दर्शन कर लिए हैं एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा यहाँ पे दर्शन करके। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले कि आप ज़रूर यहाँ पर आइए, बहुत पीसफुल सा एनवायरनमेंट रहता है। अगर आपको सेवा करनी है आप सेवा कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपको लंगर के अंदर लेके चलेंगे, जो यहाँ पर प्रसाद कहते हैं जिसको, लंगर जो होता है, लंगर चखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी वीडियो को ख़त्म करने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितना हो सके औरों की हेल्प कीजिए। यहाँ पे आने का मेन मोटो ये रहता है, सीख ये रहती है कि जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दूसरों की, आपने देखा ही होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। टेक केयर।